हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। ठीक, सही देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर जो लिखा हुआ है, ग्रुप नंबर 56 और 57 की आंसर की आ गई है, ऑफिशियल आंसर की साइट के ऊपर। ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम भी दिया है आंसर की, कैसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी और लाखों या हजारों युवाओं के सपनों के ऊपर पानी फेरा है HSSC ने, हरियाणा सरकार ने। कैसे क्या हुआ देखिए, तो पहले हम देख लेते हैं दोस्तों ऑब्जेक्शन वाला नोटिस। पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्शन वाला नोटिस। तो यहाँ पे 56 और 57 की आंसर की आ गई है, प्रोविजनल आंसर की है ये। ये कह रहे हैं कि हमने 6 और 7 को एग्ज़ाम लिया था और 10 तारीख को, लेकिन हो गई आज 11 तारीख, ये 10 तारीख को इन्होंने बना दिया था नोटिस, तो कल ही आना था। ठीक है, और आप अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बारह तेरह चौदह तीन दिन आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, यदि किसी को लगाना है तो किसी क्वेश्चन के ऊपर। अब ऑब्जेक्शन तो भाई सभी क्वेश्चन के ऊपर लगेंगे, पता नहीं कितने पर्सन हैं। तो यदि आपने पेपर दिया था तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, दो लिंक मिलेंगे आपको, आपको 56 पे लगाना है या 57 पे लगाना है, उसी लिंक पे क्लिक कर लेना है और देख लेना है। तो ये आंसर की ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और अब जब आप HSSC की वेबसाइट पर जाओगे पब्लिक नोटिस के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको इस तरीके से दिख जाएंगे सारे के सारे PDF। ठीक है, अदरवाइज़ मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो आपकी आंसर की आ गई है। सोच ये रहे थे कि पेपर कैंसिल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन HSSC किसी की नहीं सुनती, हरियाणा सरकार किसी की नहीं सुनती, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है। और युवाओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा यदि आप न्याय चाहते हैं तो। बाकी जो भी चीज़ आपको सही लगती है, वैसे लगती है, कैसे लगती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, आपकी क्या राय है। टेलीग्राम पे ये नोटिस मैंने डाल दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों।